हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सिंपल से 5 ब्यूटी हैक्स जो आप नाइट में इस्तेमाल करेंगे और मॉर्निंग में आपको बहुत ही खूबसूरत स्किन मिलने वाली है। यकीन मानिए, आप जब अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो स्किन पे रिंकल्स और आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम है, जो आपके स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वो सब धीरे धीरे आपको गायब होती हुई नजर आएगी और कमाल का ग्लो आपकी स्किन पे मिलेगा। क्योंकि ओवरनाइट हम अपनी स्किन को हीलिंग करने का काम करेंगे, रिपेयर करने का काम करेंगे। जो हम नंबर 1 पे हैक आता है हमारा क्लिंजिंग, आपको रात में जरूर अपने स्किन को क्लिंजिंग करना है। किसी भी फेस वॉश से आप अपने स्किन को क्लीन जरूर करिए एवरी नाइट। ये नहीं है कि आपने मेकअप लगाया है तभी आपको क्लिंजिंग की जरूरत है। इवन आप जो स्किन आपकी स्किन पे पसीने या फिर प्रदूषण और बाहर की धूल मिट्टी चिपक जाती है उसको भी क्लीन करके ही हमें ओवरनाइट सोना चाहिए, जिससे वो हमें आगे प्रॉब्लम ना क्रिएट करे हमारी स्किन पे। ओके, आज पानी से फेस को ठंडे पानी से वॉश करके आराम से अच्छी नींद लीजिए। फिर आती है सेकंड हैक में आता है हमारा मॉइस्चराइज योर स्किन। यस, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजिंग की बहुत बहुत जरूरत होती है, तो अपनी स्किन को ओवरनाइट मॉइस्चराइजिंग करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये मैं कह रही हूँ इसलिए क्योंकि मॉइस्चराइजिंग जो होती है आपकी स्किन की फ्रेशनेस को बरकरार रखती है, उसके रिपेयर को भी वो और तेजी फास्ट कर देती है, तो मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। फिर सब कहते हैं भाई हमारी तो ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइजिंग की क्या जरूरत है। बाजार में बहुत बहुत तरह के जेल वाले मॉइस्चराइजिंग क्रीम अवेलेबल है, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोनों टाइप की स्किन को, चाहे वो ड्राई हो चाहे वो ऑयली हो, सबको मॉइस्चराइजिंग की जरूरत होती है। तो दूसरा हैक आता है हमारा कि हम जब हमारी जो स्किन होती है कई बार एज बढ़ने के साथ उसपे ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो हमें इस पे भी काम करना चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी बात आपको बताती हूँ कि आप उस तरह से अगर करेंगे तो आपके स्किन का जो ब्लड का फ्लो है आपके स्किन की तरफ तेजी से होगा। ये क्या करना है आपको, नाइट में आप अपने लेट जाइए, सर को नीचे कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए सर को नीचे कर लीजिए, आंख बंद करके रिलैक्स हो जाइए। ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से फेस की तरफ होगा और आपकी स्किन का ग्लो भी बढ़ेगा, आपका माइंड भी शांत होगा और आप मॉर्निंग में एक ग्लोइंग स्किन पाएंगे। फोर्थ है, आपको स्क्रबिंग करनी चाहिए। इस हफ्ते में 2 बार ही स्क्रबिंग करना है। अगर आप मार्केट का स्क्रब इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप मार्केट का स्क्रब नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं आपके स्क्रबिंग का DIY रेमेडी बता रही हूँ एक, जिसे आप इस्तेमाल करने के बाद भाई कमाल का आपके चेहरे पे ग्लो आने वाला है। तो क्या करना है भाई, वाइट शुगर लेनी है, उसको दरदरा पीस लेना है, एक टमाटो लेना है, उसको हाफ कट कर लेना है और उसके जो हाफ कट के पॉइंट पर आपको उस शुगर को अच्छी तरह से रब करना है। और फिर जहाँ जहाँ आपको मतलब ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, डलनेस की प्रॉब्लम है, वहाँ वहाँ आपको उसे अप्लाई करना है। फिर आप टमाटर को अच्छी तरह से शुगर में डिप करके फिर अच्छी तरह से अपने फेस पर उसे स्क्रब करिएगा। ये एक नेचुरल रेमेडी है जिससे आपके स्किन का ग्लो भी बढ़ेगा और जो टमाटो का होता है ना वो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में टमाटो का जूस बहुत कमाल का काम करता है। शुगर जो होती है हमारी स्किन को एक्सप्लोएट करती है, हमारी स्किन की नेचुरल शाइनेस को भी वापस लाती है। तो आपको यहाँ पर इसे करना है नाइट में, लेकिन हफ्ते में 2 बार करना है। और जब भी आप अपने स्किन पे स्क्रबिंग करें या फिर कोई चीज़ ऐसी अप्लाई करें जिससे आपकी स्किन का मॉइस्चर चला जाता है, तो याद रखिए उसके बाद आपको उसे मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करना है, नहीं तो आपकी स्किन डल हो जाएगी और धीरे धीरे उस पर रिंकल्स की भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, पांचवी हमारी हैक है, पांचवा हमारा हैक है कि आप जो बार बार स्किन बाहर जाते हैं, आपको सन टैन की प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है, आप सोचते हैं कि क्या अप्लाई करें कि हमारी स्किन की भाई वो जो पुरानी ग्लो है वो वापस आ जाए,
तो मैं आज आपके लिए एक सिंपल सा मतलब बताती हूँ रेमेडी जो तुरंत तैयार भी हो जाएगी और तुरंत आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। एलोवेरा जेल, उसमें लेना है कुछ बूंदे हमारी नींबू की और फिर कुछ बूंदे लेनी है हमारी बादाम ऑयल की। जी हाँ, इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए। मिक्सअप करने के बाद उसको आप अपने फेस पर लगा लीजिए, 20 से 25 मिनट तक रहने दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से वॉश आउट कर लीजिए। कमाल की आपके स्किन हो जाएगी, आपके स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं वो भी आपके धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत स्किन आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये हैक पसंद आए हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।